और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ चटपटा नाश्ता, जिसको आप सुबह और शाम में खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और उसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी और डालेंगे दही, एक दो और ये तीन चम्मच। एक चम्मच डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसको अगर आप लहसुन खाते हैं तब आप डालें, अगर नहीं खाते हैं तो इसको ना डालें। एक चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच ओरिगेनो, आधा छोटा चम्मच पीली कुटी मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अनुसार, अब इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम घोलना शुरू करेंगे। इस तरीके का एक बैटर तैयार कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब बेकिंग ट्रे पर थोड़ा सा रिफाइंड लगाएंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हींग, हरा धनिया कटा हुआ और 1/4 टेबल स्पून मीठा सोडा, इसको भी इसमें डालकर मिला देंगे और बेकिंग ट्रे पर इसको पलट देंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे और स्टीमर में एक गिलास पानी को हम बॉईल होने रख देंगे। पानी बॉईल होने लगा है, अब इसमें रख देंगे प्लेट, ऊपर से लगा देंगे इसके ढक्कन और गैस को कर देंगे हल्का और इसको 15 मिनट के लिए हम इसी प्रकार बेक होने देंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक करेंगे और गैस को कर देंगे बंद। टूथपिक की सहायता से इसको देखेंगे, बिल्कुल चिपका नहीं है इसमें, इसलिए ये बन चुका है। अब इसको प्लेट को इसमें से निकाल के 10 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसको हम कट कर लेंगे। सारा कट होने के बाद अब इसके टुकड़ों को हम बाहर निकाल लेंगे, इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब गैस चला के पैन को करेंगे गर्म और उसमें डालेंगे रिफाइंड, 3 से 4 चम्मच रिफाइंड, और जैसे ही रिफाइंड गर्म होने लगेगा इसमें डाल देंगे एक बड़ी प्याज, जिसको कि मैंने स्लाइस कर लिए हैं। और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हम भूनेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट होने लगी है, अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च के बारीक कटे हुए टुकड़े और साथ ही डाल देंगे टमाटर, इसके भी बारीक टुकड़े मैंने लंबाई में कट कर लिए हैं, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद गैस को कर देंगे हल्का और इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, टमाटो केचप 2 बड़े चम्मच, चिली सॉस ये भी 2 बड़े चम्मच, सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून अजीनोमोटो, नमक अपने टेस्ट के अनुसार, इसमें हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे डाइस अपने और इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। इसको चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और इसकी कर लेंगे हम प्लेटिंग।
अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। टूथ प्रिंसेस की एक बाइट लीजिए और खाने का मजा लीजिए। आप भी खाइए और बताइए ये आपको कैसे लगे। ये नाश्ता बनाने में बहुत ही आसान है जैसा कि आपने देखा, और टेस्टी तो इतना है कि आप एक बार खाएंगे तो आपका मन करेगा कि इसको बार बार बनाएं। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।